एक्सप्रेस न्यूज सच का साथी। मुरादाबाद शहर भले ही स्मार्ट सिटी में आ गया हो, लेकिन आज भी यहाँ पर गंदगी के अंबार आम बात है। कहीं पर भी गंदगी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सफाई आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर महानगरवासियों में खासा रोष व्याप्त है। तो वहीं काशीराम नगर सोनकपुर योजना में गंदगी के इस कदर अंबार लगे हैं कि लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। तो वहीं बिजली आदि की समस्याओं से भी लोग जूझ रहे हैं। देखो नालियाँ तो इतनी गंदी हो रही है यहाँ की, नालियाँ साफ होनी चाहिए, पत्ती भी है, नाली भी है। उसके मतलब कि इतनी गंदगी फैल रही है, खुजली भी हो रही है, बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, सारी बात हो रही है। बदबू के मारे रुका नहीं जा रही है यहाँ पे। कूड़े इतनी है कि ना कूड़ा अलग होना चाहिए, मतलब कि सारे वहाँ से वहाँ तक कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। डस्टबिन भी रखते हैं, वो भी भर जाती है, तो उसके खाने वाला कोई नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। हमने डीएम के पास भी दे दी, वहाँ हड़ताल भी करा हमने, एमडी ऑफिस में, नगर निगम में, सब में नगर निगम में भी दी हमने। यहाँ पर भी कुछ सुनाई नहीं, गटर सब भर रही है, पता है यहाँ की सड़कों की लाइटें सब बेकार है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी नहीं सुन रहा। और बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं कि गंदे पानी से कुछ पूछो मत। वोट लेना, घर से लेना, दुष्भाव निकलना, दुष्प्रभाव बताओ। छह साल हो गया होगा, हमें यहाँ आए जब से काशीराम आए, एक बार भी कोई ना सफाई वाला आया, ना कोई कूड़े उठाने वाला है, और डाल डालते हैं, बच्चे स्कूल ले जा रखे हैं पढ़ाई की वजह से, और सड़क की वजह से पैरों में कूड़ा खुलता है, जब बच बच कर गटर में निकल जा रहे बच्चे। और जिस दिन से आए रही है गटर पानी सब लैट्रिन बैठरूम सब बंद है, नालियाँ गंदी हो रही है। जो गटर से आ रहे हैं लैट्रिन होगी उनका रास्ता, बच्चे देखो कैसे आते हैं और कूड़े में से जाते हैं बच्चे, बताए ये बीमारी होंगे नहीं होंगे, ये बीमारी का जड़ है ये। मोदी नहीं कर रहे, मोदी जी कोई नहीं सुन रहा, मोदी सुन रहे ना कोई सुन रहा, हमारा तो वोट लेने आ जा मोदी को, जा कोई वोट लेने आ जा मोदी जी का नाम, मोदी सुन रहा ना मोदी जी का, हाय हाय कोई ना सुन रहा, मोदी जी नहीं माने तो मोदी जी का आके मोदी जी का पुतला बना देंगे, जैसे मोदी को जगह फिरा हवा जा जो मैं मोदी सब जगह आ रहे हैं, मोदी का पुतला सब जगह आ रहे हैं, आके दे दोड़े मोदी का क्या आशिया में आ जी का हवा जा जो मोदी सुन रहा, गरीबों को कोई ना सुन रहा, गरीबों को कोई रोजगार है ना, गरीबों को बच्चों के लिए पैसे देंगे, पैसे देंगे कि 3,000 रुपए महीना आएंगे, कि ये आएंगे, कि इतने मिलेंगे, इतना कुछ भी नहीं छीन लेते हैं, पकड़ कर लूट मार करते हैं, लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, हमें चाहिए लहंगा और नाली। अगर मोदी जी के नहीं करेंगे तो उनके नाम से हम हंगामेबाजी कर देंगे, डीएम के धोरे जाकर डीएम है वो रद्दी कबाड़ों में फेंक देते हैं हमारी बेटी आती है, धी बहन है, हमें सबको लाइन पे बैठे रहा लड़के, कभी कुछ करा कभी गंदी गंदी बातें बोल रहे, पता लाइट ना है बिल्कुल भी, अंधेरे में ये देखो हम डालते हैं लाइटें जला देते हैं, रात को जलती है, दिन में बंद कर देते हैं चटनी से, वो लोग ये कहते हैं तुम घरेलू बत्ती तो नहीं जला रही, इस वजह से वो सारी तार काट कर लेगा नीचे से, तो हम जला में क्या, अंधेरे में पड़े लंबे लंबे सांप गटरों में पड़े नालियों में से, बत्ती वालों ने इतना परेशान कर रखा, गरीब आदमियों का तार काट कर ले जाते हैं, कुछ करते हैं ये कोई तरीके थोड़े है, ये सही थी तो बहुत कुछ हो सकता है रात में, और पुलिस वाले भी जब आते हैं सब फाइंड हो जाते हैं, पुलिस वाले तो आते नहीं है ना, जब तक रोज सारा काम हो जाता है पुलिस वाले आ जाते हैं आराम से, यहाँ पर रात में कोई हमारे ले जाएगा लूट के भी ले जाएगा तो किसी को पता नहीं चलता, मगर मोदी जी का तो कहना यह है ना कि मायावती ने कब्र दिया है वही करेगी सब कुछ, तो मायावती को वोट मिलना चाहिए, फिर मोदी को क्या मिलना चाहिए, मोदी तो नोट
गड्ढे में बैठ गए ना, योगी को, योगी हो क्या मोदी हो, दोनों रोटे गड्ढे में बैठ गए, बता कभी हाउस में हेलीकॉप्टर में चले जाओ, कभी हवाई जहाज में चले जाओ, कूड़े में तो गंदगी बहुत होती है, तो ये कूड़ा साफ करने नहीं आता कोई, कोई नहीं आया, कितने से 6 साल हो गए, हमें कमरे चलाने वीडियो बनाने की, मेरा भैया गया।